नमस्कार दोस्तों, आई ए चैनल पर आपका स्वागत है और आई होप योर प्रिपरेशन इज़ गोइंग बेटर बिकॉज आफ्टर सम टाइम यू विल हैव टू फेस अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि आपकी जो प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपको जो है इसके बाद रिजल्ट आने के बाद आपको ग्रुप डिस्कशन और फिज़िकल फिटनेस टेस्ट सब कुछ फेस करना है। तो आपको जो है डेली रनिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपको अगर रनिंग नहीं करेंगे तो आपको जब दिक्कत आ सकती है। तो एक और वीडियो के साथ मैं फिर आ चुका हूँ। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि हम आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड और फर्स्ट की वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, तो आज मैं जो आपके लिए साइकोलॉजी के क्वेश्चन और कुछ जो इंडियन एयरपोर्ट्स के बारे में बेसिक जानकारी लाया हूँ। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, भारतीय वायुसेना, इसका जो मोटो है आपको ये ध्यान रखना चाहिए, इसका जो मोटो इंडियन एयरपोर्ट्स का मोटो क्या है, टच द स्काई विद द ग्लोरी, हमारी इंडियन फोर्स का मोटो है, टच द स्काई विद द ग्लोरी। और एक और आपने लिखा होगा, दिखा होगा, कट अबाव, इंडियन एयरपोर्ट्स अ कट अबाव। तो अट अ कट अबाव जो आपको पता ही होगा कि जो एक ईडीएम होता है, इसका अर्थ होता है कि सुपीरियर, सबसे अच्छे, जिस पर कोई अटैक नहीं कर सकता, सबसे बेटर दैन बेटर सुपीरियर। तो ये हमारा जो सेकेंड वीडियो, इससे पहले मैं एक वीडियो और डाल चुका हूँ, उसमें साइको क्वेश्चन थे, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप काफ़ी वीडियो देख सकते हैं हमारे पास, सबसे अधिक जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन है और ग्रुप डिस्कशन के भी क्वेश्चन है हमारे पास। तो चलिए कुछ जानते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। तो इंडियन एयरफोर्स, हिंदी में बोलते हैं भारतीय वायुसेना। इसका ऑब्जेक्टिव, जो हमारी इंडियन एयरफोर्स का मेन पर्पज़ है, उसके बारे में पढ़ते हैं। द प्राइमरी मिशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज़ टू सिक्योर इंडियन एयर स्पेस टू कंडक्ट अराइल वॉरफेयर ड्यूरिंग आर्म कॉन्फ्लिक्टेड। जो हमारी भारतीय वायुसेना का जो ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव वो है कि अपने जो भारतीय एयर स्पेस की रक्षा करना और टू कंडक्ट अराइल वॉर ड्यूरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। इट वाज ऑफिशियली स्टेबलाइज इन 8 अक्टूबर 1932 एज एन ऑक्सिलरी एयरफोर्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर विच ऑनर्ड इंडियस एविएशन सर्विस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो हमारी भारतीय वायुसेना की जो ऑफिशियली रूप से स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, और ये जो ब्रिटिश एम्पायर के एक सहायक सेना के रूप में हुई थी, तो जिसने कि वर्ल्ड वार सेकंड में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। और जब भारत को आज़ादी मिल गई थी 1947 के बाद, उसमें जो इसका नाम बदलकर इंडियन एयर फोर्स रख दिया गया। इससे पहले इसका नाम था रॉयल इंडियन एयर फोर्स। और आगे और देखते हैं एक्टिव पर्सन। तो हमारे जो है इंडियन एयर फोर्स में जो कुल एक्टिव पर्सन है, तो हमारे जो इंडियन एयर फोर्स में एक्टिव पर्सन है वो हमारे इतने 170,000 तो जैसे कि, और इसकी हेडक्वार्टर की बात करी जाए, सॉरी इसका एक चीज़ है एयरक्राफ्ट। तो अगर इसके एयरक्राफ्ट की बात करी जाए, तो हमारे पास 1,720 प्लस एयरक्राफ्ट हैं, इससे अधिक एयरक्राफ्ट हैं। और बात करी जाए हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स, तो जैसा कि आपको पता होगा जो भारत की तीनों सेनाएं, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी, तीनों का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और तीनों के जो कमांडर इन चीफ होते हैं वो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं रामनाथ कोविंद जो कि। तो कमांडर इन चीफ की बात करिए, तो आपको पता है कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इज़ द कमांडर चीफ ऑफ द ऑल फोर्सेस इन इंडिया। सो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ CAS, जिनको CAS भी बोलते हैं, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, आपको पता ही होगा, वीरेंद्र सिंह धनोआ है। वॉइस चीफ की बात करी है, तो एयर मार्शल राकेश कुमार है वॉइस चीफ। इसका जो आप देख सकते हैं इसका लोगो काफ़ी अच्छा है। अचीवमेंट, अगर इंडियन एयर फोर्स की अचीवमेंट की बात करी है, तो आपको पता ही होगा वर्ल्ड वार सेकेंड में जो भारतीय वायुसेना ने आपका काफ़ी अहम भूमिका निभाई, इंडो पाक वार। और इंडो पाक वार में आपको बताइए, जब भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ था 1947 में, जब भारत के भारतीय वायुसेना ने काफ़ी ऑपरेशन विजय, इंडो पाक वार 1965, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो उसमें भारतीय वायुसेना ने अपना काफ़ी रोल निभाया। बांग्लादेश लिबरेशन वार, और जब भारत ने जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवाने के लिए एक अहम भूमिका निभाई थी, तो इसमें भारतीय वायुसेना का जो 1971 में हुआ था काफ़ी अहम भूमिका थी। ऑपरेशन बालाकोट, जो आपको अभी पता होगा, जो ऑपरेशन बालाकोट हुआ था, एयर स्ट्राइक 2019 की थी हमारी इंडियन एयरफोर्स ने, काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है तो हमारे इंडियन फोर्स के लिए। और देखते हैं फाइटर प्लेन के बारे में, देखते हैं फाइटर प्लेन ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो अटैक की बात करिए, अटैक हेलीकॉप्टर, अटैक जो फाइटर प्लेन है वो जैगुआर फाइटर प्लेन है,
MiG-27 है, आपको पता ही होगा MiG-27 बहुत ही अच्छा प्लेन है, जगुआर फाइटर प्लेन है। HAL तेजस, HAL वो HAL का मीन होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL तेजस जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, तेजस जो भारत का खुद का प्लेन है जो भारत ने खुद बनाया। और मिराज 2000 भी है, और आपको पता होगा एक और अपने जो इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने वाला है उसको, और जल्दी जो हमारे इंडियन एयरफोर्स में राफेल विमान भी जो कि फाइटर प्लेन है काफ़ी अच्छा शामिल होने वाला है। तो ये तो था हमारा कुछ उसके बारे में बेसिक नॉलेज। अब हम जो चलते हैं कुछ साइको के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जो पहला पहला क्वेश्चन है हमारा वो देखते हैं, यदि कुछ विद्यार्थी अध्यापक को बीच रास्ते में परेशान कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। तो SRT के क्वेश्चन देखते हैं जिसको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बोलते हैं, और आपको जो फेस करना पड़ेगा सेकंड फेज में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, यदि कुछ विद्यार्थी एक अध्यापक को बीच रास्ते में परेशान कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, मना करेंगे, हाँ ये भी कर सकते हैं अभी देखते हैं, मना करेंगे, आप भी उन्हें परेशान करेंगे नहीं, तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, गलत है, उन्हें समझाएं कि ऐसा ना करें, ये भी कर सकते हैं, पुलिस से शिकायत करेंगे। देखिए जो कुछ विद्यार्थी एक अध्यापक को बीच रास्ते में परेशान कर रहे हैं और आप भी निकल के जा रहे हैं वहाँ से, तो और जैसा कि आपको पता होगा जो जो विद्यार्थी होंगे वो छोटे तो होंगे नहीं, बड़े होंगे, तो आप उनसे मना भी नहीं कर सकते और उनको तो परेशान भी नहीं कर सकते, उन्हें समझाएं कि ऐसा ना करें, वो समझने वाले तो होंगे नहीं, आप एक ही काम कर सकते हैं, पुलिस से शिकायत कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि इसका आंसर और कुछ भी हो सकता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वैसे तो इसका और कुछ हो सकता है लेकिन जो हमारे पास ऑप्शन है हमें उसमें से बेस्ट चुनना है, तो हमारा आंसर थर्ड हो सकता है सी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं यदि कुछ व्यक्ति पार्क में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप क्या, तो आप हाँ यदि कुछ व्यक्ति पार्क में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, मना करेंगे, हाँ ये भी कर सकते हैं, आप पुलिस को फ़ोन करेंगे, ये भी कर सकते हैं, देखो उनकी पिटाई तो नहीं कर सकते, काफ़ी लोग हैं, चुपचाप चले जाएंगे ये भी नहीं करेंगे, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट या कुछ तो सिचुएशन लेना ही पड़ेगा ना, मना करेंगे, देखिए मना भी नहीं कर सकते, आप केवल एक ही काम कर सकते हैं पुलिस को फ़ोन, क्योंकि कुछ व्यक्ति हैं और आग लगाने वाले हैं तो कुछ वो वैसे ही होंगे उत्पाद मचाने वाले, तो अपन से मना नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं यदि बीच रोड पर एक पत्थर पड़ा है तो आप क्या करेंगे। देखिए बीच रोड पर एक पत्थर पड़ा है, मैं नहीं पता पत्थर बड़ा है छोटा है, कुल मिलाकर पत्थर पड़ा है, तो आप क्या करेंगे, उसे हटा देंगे, कुछ नहीं करेंगे तो गलत है, पुलिस को फ़ोन करेंगे, पुलिस थोड़ी इस पत्थर को उठाने आएगी, पुलिस का उसमें कुछ काम नहीं है, उसे हटा देंगे, देखिए क्या है ना ये भी हम श्योर नहीं, उसे हटा देंगे, अगर पत्थर काफ़ी बड़ा होता है हमसे हिल भी नहीं रहता तो कैसे हटा देंगे, उसे हटाने की कोशिश करेंगे, ये एकदम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ मूव करते हैं, तो देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ चलते हैं। तो यदि आपके बड़े भाई को कुछ लोगों ने पीट दिया तो आपके बड़े भाई को कुछ लोगों ने पीट दिया तो आप क्या करेंगे, उन लोगों को घर जाकर पीटेंगे, नहीं उन लोग घर जाकर पिटाई तो नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे तो बिल्कुल ही गलत है, उन्हें समझाएंगे तो समझने तो वाले नहीं, अगर उन्होंने आपके भाई को पीट दिया बड़े भाई को तो समझेंगे तो नहीं, आप एक ही काम कर सकते हैं, पुलिस से शिकायत कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपके पास एग्ज़ाम का हल रखा हुआ है तो आप क्या करेंगे। यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपके पास एग्ज़ाम का हल रखा हुआ तो आप क्या करेंगे, नकल कर लेंगे, देखिए नकल तो नहीं करेंगे तो बिल्कुल गलत है, एग्जामिनर को दे देंगे, ये कर सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे ये भी गलत है, अपने मित्र को दे देंगे, नहीं उसको क्यों पकड़वाएंगे, एग्जामिनर को दे देंगे, बस हमारे जो सिचुएशन होगी वो यही होगी कि हम एग्जामिनर को दे देंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ देखते हैं, तो चलिए देखते हैं रीजनिंग का है, क्योंकि आपको जो SRT में रीजनिंग के क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। यदि आँख का अर्थ है कान, ठीक है ना, आँख का अर्थ क्या है, आँख का अर्थ है कान, ठीक, हाथ, हाँ कान का अर्थ है हाथ, देखिए कान का अर्थ दिया उसने हाथ, हाथ दिया, और आँख का अर्थ क्या दिया, आँख का अर्थ दिया उसने कान, ठीक है ना, तो फिर कह रहा है हाथ, तो व्यक्ति किससे से सुनेगा, तो हमें तो पता है व्यक्ति कान से सुनेगा, और कान को कहा क्या है उसने हाथ, तो व्यक्ति किससे सुनेगा, आंसर क्या हो जाएगा, हाथ से सुनेगा व्यक्ति, क्योंकि उसने, देखिए आप एक बार फिर देखिए, यदि आँख का अर्थ है कान, ठीक है, आँख को कान कहा गया है, कान का अर्थ है हाथ, तो व्यक्ति किससे सुनेगा, तो व्यक्ति कान से ही तो सुनेगा, लेकिन कान को क्या कह दिया गया, हाथ, तो व्यक्ति हाथ से सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यदि आपका फ़ोन ट्रेन में छूट गया है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपकी फर्स्ट रिएक्शन होगी क्या होगी, आपका फ़ोन जो ट्रेन में छूट गया है, तो
ट्रेन का पीछे करेंगे। अरे क्या शक्तिमान हो रहे हैं, ट्रेन का पीछे कैसे कर सकते हैं, शक्तिमान थोड़ा ही है। पुलिस से शिकायत करेंगे तो पुलिस आपका फ़ोन थोड़ी ढूंढने जाएगी, क्योंकि आपको पता है जो ट्रेन वगैरह की शिकायत होती है वो आपको एक RPF से करनी चाहिए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसके लिए आपको दिए गए, किसी दूसरे फ़ोन से कॉल करेंगे। देखिए ये भी सही है, और कुछ भी हो सकता है इसका आंसर। तो आपकी जो फर्स्ट रिएक्शन होगी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, वो किसी दूसरे फ़ोन से अपने फ़ोन को कॉल करेंगे। यदि कोई व्यक्ति रिसीव करता है तो उससे कहेंगे भाई कि कहाँ पर है हमारा फ़ोन, दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आप क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं तो देखते हैं, आप रास्ते में बाइक लेकर जा रहे हैं और 3 स्टूडेंट आपसे आगे तक छोड़ने को कहते हैं, तो आप क्या करेंगे। 3 स्टूडेंट आपसे आगे छोड़ने को कहते हैं तो आप कुछ नहीं करेंगे, तो बिल्कुल कर देते, चुपचाप थोड़ी चले जाएंगे, मना कर देंगे। ये भी कर सकते हैं, छोड़ देंगे। देखो क्या ना, 3 है तो छोड़ तो नहीं सकते, 3 को नहीं छोड़ सकते आप, मना भी नहीं करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, उनसे कहेंगे कि आप लोगों में से किसी एक को छोड़ सकता हूँ, क्योंकि 3 तो अलाउ नहीं ना बैठना, तो सिंपल था। यदि आपके घर के पास जोर जोर से धमाके की आवाज़ आती है तो आप क्या करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और आप इसका कमेंट बॉक्स में भी आंसर लिखिए यदि आपको लगता है दूसरा होता है तो। यदि आपके घर के पास जोर से धमाके की आवाज़ आती है तो आप क्या करेंगे, पुलिस से फ़ोन करेंगे। देखिए ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, पुलिस से फ़ोन, कुछ नहीं करेंगे तो बिल्कुल गलत है। पुलिस से फ़ोन भी कर सकते हैं, धमाका अगर तेज़ हुआ है तो पुलिस से फ़ोन तो जब करेंगे, जब पहले पहले तो आपको वहाँ पर जाकर देखना हो कि हुआ क्या है। आप एक और धमाका करेंगे, अरे ये क्या है, ईंट का जवाब पत्थर से दोगे क्या, एक और धमाका क्यों करोगे आप, एक और धमाका नहीं करोगे, ठीक है ना। आपका आंसर जो यहाँ पर आंसर क्या होगा, जाकर देखेंगे क्या हुआ है, और उसके बाद जो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम पुलिस से फ़ोन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है उसकी तरफ चलते हैं, तो देखते हैं हमारे जो क्वेश्चन नंबर 10 है रीजनिंग से। यदि मैंगो का अर्थ है 3, 2, 1, 6, 7, तो गोमैन का अर्थ क्या होगा। तो देखिए उसी से लिखा गया, एम को क्या लिख दिया गया है, एम को लिखा गया है 3, ए को लिखा गया है 2, और एन को लिखा गया है 1, और जी को लिखा गया है 6, और ओ को लिखा गया है 7। तो उसी तरह से उसने किसका अर्थ पूछा, गोमैन का, तो गोमैन का आसानी से बता सकते हैं हम यहाँ से। देखिए जी, जी को क्या लिखा गया है, जी को लिखा गया 3, सॉरी जी को 3 नहीं लिखा गया, जी को जो 3 थोड़ी लिखा गया। तो हम अभी देखते हैं जो जी को लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर जी को 6 लिखा गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर जी को क्या लिखा गया, 6। तो देखते हैं गोमैन को क्या लिखा जाएगा, गोमैन को, जी को क्या लिखा गया, यहाँ से आप देख सकते हैं जी को क्या लिखा गया है, 6, तो 6 लिख दीजिए, और ओ को क्या लिखा गया है, 7, 7 लिख दीजिए, एम को क्या लिखा गया है, 3, 3 लिख दीजिए, ए को क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है, एन को क्या लिखा गया है दोस्तों, एन को लिखा गया 1। तो कितना आ जाएगा, 6, 7, 3, 2, 1, 6, 7, 3, 2, 1 है आंसर, 6, 7, 3, 2, 1 तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सी ऑप्शन। तो ये तो कुछ साइको के क्वेश्चन, और इसमें थोड़ा सा मैंने इंडियन एयरफोर्स के बारे में बताया था। नेक्स्ट वीडियो आपको जो मिलने वाली है जीडी की हो सकती है, साइको के क्वेश्चन की हो सकती है। तो जब तक के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दूसरों के साथ, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और वीडियो बनाने का। और आपने वीडियो देखा, अपना इतना कीमती समय निकालने के लिए, इसके लिए थैंक यू। और आप अपनी ऐसी प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि जो है आपको रिजल्ट आने के बाद आपको कुछ 10 से 12 दिन मिलने वाले हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन और तेज़ कर दीजिए, और रनिंग वगैरह कीजिए डेली से। थैंक यू।